इंडिया गठबंधन ने झारखंड में चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के साथ इंडिया ब्लॉक में शामिल अन्य दल के नेता भी मौजूद रहे। इन सभी नेताओं ने इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र रिलीज किया। इस घोषणा पत्र में 7 गारंटी दी गई है, जिसमें 1932 आधारित खाद्यान्न मैया सम्मान योजना, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और किसान कल्याण की गारंटी दी गई है। संयुक्त प्रेस वार्ता में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार ने एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज्य होने के बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। विपक्ष के षड्यंत्रों का जवाब देते हुए हमने सरकार चलाया, हालांकि अभी 1 महीने का कार्यकाल अभी बाकी है। आखिर क्या विकट परिस्थिति आई जो चुनाव कराना पड़ा? चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, इसका सम्मान करता हूं। आज 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले 5 चरणों में चुनाव होते थे। वहीं इस प्रेस वार्ता को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, यहां हमारी गठबंधन सरकार है जिसके मुखिया हेमंत सोरेन हैं। आज जो 7 गारंटी रखी है उसे जनता के बीच लागू करेंगे। जब हम गारंटी की बात करते हैं तो पीएम मोदी और अमित शाह टिक्का टिप्पणी करते हैं, हम जो गारंटी देते हैं उसे निभाते हैं। पीएम मोदी जो गारंटी देते हैं उसे निभाते नहीं हैं। एक तो प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में यदि नहीं गारंटी पूरी होती है तो हमें चौराहे पर सजा देना। हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हमने लैंड एग्जीबिशन का वादा किया उसे लाया, हमने जो यूपीए सरकार में वादा किया उसे लाया, बेंगलुरु में जो हमने कहा था वह वाकई में सच है, हमने वहां 5 गारंटी दिया था उसे निभाया है, झारखंड में जो हम बोले हैं उसे निभाकर रहेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। अपने विचार रखे और कैसा उन्होंने इस राज्य का कारोबार संभाला, कोविड से लेकर अब तक या जेल से लेकर अब तक सारी चीजें उन्होंने अपने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखा। यह हमारी गठबंधन सरकार है जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन जी करते हैं, और आज गठबंधन की टीम मिलके ये जो 7 गारंटी आपके सामने रखे हैं वो सब जनता के लिए है, और सामान्य जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए ये गारंटी हमने माना है। और ये ऐसी गारंटीज है जो ड्यूरेबल हम कर सकते और हमारे बजट के अनुसार ही उस पे आधारित हम ये जो गारंटीज है ये जनता के सामने रखे। मोदी साहब का हमेशा जब हम कुछ गारंटी की बात करते हैं तो उसको फौरन उसके ऊपर टीकास्त्र करते हैं। कल शायद या परसों, कल यहाँ आए थे, उन्होंने अपने विचार रखते हुए या भाषण देते हुए मेरा भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग जो गारंटी देते हैं उसका कोई भरोसा नहीं, और ये बात खड़गे साहब ने बेंगलोर में कही। देखिए, हम जो गारंटी देते हैं वो निभाते हैं, अनुष्ठान में लाते हैं, लेकिन मोदी जी जो गारंटी देते हैं और कहते हैं ये मोदी की गारंटी, उन्होंने कभी अपना
वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो अपना डिमोनेटाइजेशन के वक्त उन्होंने जो बात की थी और किसानों का MSP मैं दुगना करूंगा, अगर उस वक्त एक बात भी उन्होंने बहुत धैर्य से किए, बहुत कॉन्फिडेंस से किए, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता। इनकी गारंटी झूठ है, खड़गे जी खुद बोले हैं, अरे मैंने तो ये बोला कि बेंगलुरु में हमने 5 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने निभाया है। और मैं आंकड़े देता हूं, बजट के तहत मैं बोलूंगा। देखो, ग्रह ज्योति 200 यूनिट देने का हमने वायदा किया था और 2 करोड़ 14 लाख ये बेनिफिशरीज है। इसके लिए हम 9,657 करोड़ अलोकेशन किए हैं और खर्च किए हैं 5,164 करोड़ अब तक अक्टूबर। हाँ, 5,164। शक्ति, फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन, ऑल वुमेन देखेंगे, इसके लिए बजट रखे थे 5,015 करोड़ और अब तक खर्च हुआ है 2,709 करोड़। गृह लक्ष्मी, जिसको हमारे हेमंत सोरेन जी अब मैया योजना के नाते 1,000 रुपए दे रहे, हम गठबंधन की सरकार आने के बाद दिसंबर में 2,500 रुपए देंगे। ये जुमला नहीं, ये डिसाइडेड है, बजट करेंगे जैसा हमने इसको बजट किया। उसी के बाद अन्य भाग, इसमें एडिशनल 5 KG फुट हमने देने का वायदा किया था, वो भी हम दे रहे हैं। उसमें खर्च हमारा हुआ 2,582 करोड़। जैसा कि अब हम इसमें वायदा कर रहे हैं 7 किलो देने का। यहां पर यूनि भी, इसको 650 करोड़ हमने रखा था, उसमें 108 करोड़ खर्च हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे 2024-25 के एलोकेशन में 52,000 करोड़ हमने रखा है, जिसमें अक्टूबर तक 24,017 करोड़ यानी 47% खर्च हुआ है। ये जुमला है और वो मोदी जी हर जगह बोलते फिर रहे, महाराष्ट्र में गए खड़गे जी ने ऐसा बोला, यहां पर आ गए खड़गे जी ने ऐसा बोला, खड़गे जी ने सच बोला और इसको हम निभा के रखेंगे और पैसे दे रहे। ऐसा ही हमारे झारखंड में जो बोले हैं वो हम करके दिखाएंगे। ये हमारा दिल से निकलता है, कमिटेड है, हम गरीबों के और कमिटेड है। जो लोग सिर्फ अदानी अंबानी के तरफ ही देखते हैं, गरीब को नहीं देखते हैं, तो नेचुरली उनको तो हमारी हर बात अच्छी नहीं लगती। हम लोगों ने चुनाव आयोग के दरवाजे भी खटखटाए, चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, अब उनका राज चल रहा है। एक बड़ा विचित्र बात मुझे कल परसों रात की घटना मेरे संज्ञान में आया कि यहां पर चुनाव आयोग द्वारा देश के विभिन्न कोने से फोर्स को यहां लाया, डिप्लॉय किया गया है, बड़े तादाद में यहां फोर्स
आए हुए हैं अलग अलग जिलों में, और अभी जो मुझे जानकारी कल मिली कि सिमडेगा जिला में आधी रात को वो जवान अपने कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में AK-47 से गोली चलाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत है कि चुनाव के दिन भी एन प्रकारे मतदाताओं को डराने धमकाने, ये बात चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किस तरीके के फोर्सों को पदाधिकारियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये चुन चुन के ऑब्जर्वर भेजते हैं, चुन चुन करके फोर्स भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले ये जमशेदपुर में घटना घटा, ऑब्जर्वर के खिलाफ शिकायत की गई, उस ऑब्जर्वर को हटाना पड़ा। और यहां बड़ा ही विचित्र स्थिति है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम लोगों ने काम किया है, इस काम के आधार पर इस चुनाव को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये इस तरीके के पदाधिकारी आ रहे हैं, कोई मीडिया के अखबारों में नहीं, कोई चैनलों में नहीं, आप सब लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में गिने जाते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी और वो एक ऐसा शांत जिला है जहां लोग बहुत शालीनता से रहते हैं, वहां गोलियों का बौछार होता है। ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाले चुनाव में सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग। आपने तो ये फोटो खींच ही लिया है, फिर भी मैं इसे पढ़ देता हूं। जो सरकार हमारे गठबंधन के साथियों ने और वर्तमान सरकार ने जनता के लिए एक आउटलाइन ड्रॉ किया है, उनमें जो 7 प्रमुख पॉइंट हैं, वो है पहला नंबर जो गारंटी है हम लोगों का 1932 आधारित खतियान की, और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाया जाएगा, फिर से सरना धर्म कोड को फिर से केंद्र को भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने तो अभी भेज ही रखा है और उस पर ये कुंडली मार के बैठ गए हैं, और फिर से हम लोग इसको इस राज्य में यहाँ के आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है जो हम लोग की गारंटी होगी, महिला सम्मान योजना, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है, एक मील का पत्थर है इस राज्य के लिए। और इसी साल 2024 के दिसंबर से ही इन महिलाओं को जो इसमें हमने जोड़ा है, जिनको ₹1,000 अभी खाते में जा रहे हैं, उसे बढ़ाकर ₹2,500 किया जाएगा, ₹2,500 राशि दी जाएंगे। तीसरा गारंटी है सामाजिक न्याय की, ST 28%, SC 12%, OBC को 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण करने हेतु संकल्पित, साथ ही पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। आपको पता है यही जुमलेबाजों की ये समूह ने यहां के पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मिलता था, इन्हीं के सरकार ने 27% आरक्षण को काटकर 14% कर दिया था। हम लोगों ने अपने सरकार में इसको प्रयास किया कि पुनः 27% मिले,
लेकिन इस हमारे कार्रवाई पर भी ये कुंडली मारकर बैठ गए। हम लोग फिर से इसका प्रयास करेंगे ताकि इस राज्य के हमारे ओबीसी समुदाय को उनके उनको उसका हक अधिकार मिल सके। चौथा गारंटी है खाद्य सुरक्षा की। राशन वितरण 7 KG प्रति व्यक्ति किया जाएगा और पांचवा गारंटी है रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का। 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। 15 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की जाएगी जो गरीब परिवार हैं। और छठा है शिक्षा की गारंटी और चौथा है किसान कल्याण की, जिसमें एमएसपी को हम लोग और अधिक बढ़ाएंगे। तो 2400 रुपये है, उससे अधिक बढ़ा करके हम लोग 3000 रुपये से भी अधिक ले जाने का हम लोग का प्रयास है। और इसमें साथ साथ में जो वन उपज है, आपको मालूम है कि सरकार ने एक फेडरेशन भी बनाया है कृषि और वन उपज को लेकर। और इसमें जैसे वन उपज में लाह, कसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंदी, साल बीज इत्यादि आते हैं, उन सब के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लोगों को मिले। हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 50% तक वृद्धि किया जाएगा। ये 7 करेंगे हम लोग। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।